Hello everyone, welcome to Family Dental Clinic. I am Dr. Ashish Sharma. I am the owner of Family Dental Clinic in Guwahati. We are running our clinic in GS Road in Guwahati. I have been getting a lot of support from you and from I see a lot of people following us on YouTube. Please do like and subscribe our channel, and we are going to give you a lot of information about braces today and aligners. बेसिकली हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और जो बहुत सारे लोगों का क्वेरी भी आता है फ़ोन में, वो पूछते हैं हमसे कि हमें क्या कराना चाहिए, ब्रेसेस कराना चाहिए कि हमें अलाइनर्स पहनना चाहिए, अलाइनर्स और ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या कॉस्ट डिफरेंस है. सो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेसेस और अलाइनर्स, द प्रोसीजर ऑफ बोथ ऑफ दिस थिंग्स विद द कॉस्ट. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ नीडेड. लाइक सपोजिटली आपके दांत जो है टेढ़े मेढ़े हैं, स्पेसिंग है दांतों के बीच में, गैप है दांतों के बीच में, आपके दांत बहुत बाहर हैं, आपके दांतों का अलाइनमेंट आपको पसंद नहीं है, यू आर नॉट हैप्पी विद द स्माइल एंड यू आर इन अ एज वेर यू कैन थिंक ऑफ गोइंग फॉर अ ब्रेसेस और मे बी अलाइनर्स. सो आप एक डेंटिस्ट विजिट करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, आज उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे. बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते रहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोसीजर का कॉस्ट क्या है, से फॉर एग्जांपल डेंटल इम्प्लांट्स, ब्रेसेस, अलाइनर्स, रूट कैनल ट्रीटमेंट. सो आई वुड लाइक टू से देम दैट कि इट इज़ वेरी मच इम्पॉसिबल फॉर अस टू से द एग्जैक्ट अमाउंट ओवर द फोन और मे बी वाया यूट्यूब. बट या वी कैन टूडे वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट अ रेंज ऑफ द कॉस्ट फॉर द अलाइनर्स एंड ब्रेसेस ऑल्सो. सो वंस अ पेशेंट कम्स टू द क्लिनिक, जैसे हमारे क्लिनिक में, फैमिली डेंटल क्लिनिक में कोई पेशेंट आया है, उनको वो हमारे यहाँ पे आते हैं तो हम लोग उनको बताते हैं ब्रेसेस के बारे में, उनको अलाइनर्स के बारे में बता देते हैं. ब्रेसेस अगर वो करवाना चाहते हैं, सबसे पहले हम उनके एक्सरेज कराते हैं, फॉलोड बाय एक्सरे कराने के बाद में हम लोगों का इम्प्रेशन लेते हैं. इम्प्रेशन लेने के बाद हम लोग प्रॉपर फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, जैसे कि अगर हम उनके चेहरे का फ़ोटो, उनके दांत का फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड में रहता है और जो हम पेशेंट से भी शेयर करते हैं, चाहे कि जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो, देन द पेशेंट कैन कंपेयर दैट हाउ द ट्रीटमेंट स्टार्टेड एंड हाउ द ट्रीटमेंट गोट ओवर. दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोटोग्राफ्स. वंस वी टेक द इम्प्रेशन, वी पोर अ स्टडी कास्ट एंड वी एनालाइज दैट व्हाट ट्रीटमेंट, हाउ द ट्रीटमेंट हैज़ टू बी डन. हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जानना कि हमें इस ट्रीटमेंट को करना कैसे है. इट इज़ नॉट अ process in which we do the treatment like just randomly, we have to do this particular thing. After doing all these things, we start with the braces. Now I'm talking only about braces. मैं aligners के बारे में आपको next step में बताऊँगा. Braces जब हम लगाते हैं तो हम patient से ये पूछते हैं कि आपको कैसे type के braces चाहिए. There are two types of mainly braces. One are metal braces which are steel in color, जो कि बहुत ज़्यादा visible रहता है, और वन आर द अदर वन आर सेरामिक ब्रेसेस. हमारे क्लिनिक में हम जो सेरामिक ब्रेसेस लगाते हैं, देर रेजिन सेरामिक ब्रेसेस, सो उसके ऊपर कभी भी डिस्कलरेशन नहीं होता है, ब्रेसेस के ऊपर डिस्कलरेशन नहीं होता है, सो दे आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. इन मेटल ऑल्सो दे आर टू थ्री क्वालिटीज, सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस आर ऑल्सो देयर, द नॉर्मल ब्रेसेस आर ऑल्सो देयर. सो दीज आर द टू थ्री क्वालिटीज विच आर देयर इन आवर क्लिनिक. Metal braces in which they are self-ligating normal one, and then the ceramic braces. So now the second thing which comes to a patient mind is that which kind of braces should I go for? So that is a completely personal choice. There are some people जिनको metal नहीं चाहिए होता है, जिनको ceramic चाहिए होता है, दिखने में जो होता है उस ceramic is more, you know, less visible compared to metal. Metal is relatively more visible. So there are people who wants to go for ceramic braces, there are people who wants to go for metal braces. Of course, there is a difference of cost between both of them. I will be telling about it also later on. So now, if a patient is started with the metal braces, we do the bonding. The first stage is called as the bonding of the braces on the teeth. Before bonding, normal scaling and cleaning of the teeth have been done. After the bonding is done, braces treatment can be broadly classified or can be categorized into three parts. First is called the alignment phase, in which all the teeth are made straight. Then is called the retraction phase, in which supposedly this gap, if the teeth are outside, तो उसे हम लोग pull करते हैं, उसको retraction कहा जाता है. Retraction phase जो होता है वो second phase में आता है. And then finally, after once the treatment is over, we go for the retention phase. So this is all about braces treatment. So I would like to just brief you. There are two types of braces, metal, ceramic, the kind of, there are two, three types in metal also and two, three types in ceramic also. Depending on that,
you can decide whether you want to go for metal or ceramic. Now, if you ask me that which is better, it's a personal choice. Why? Because the treatment duration for both these braces, except for self-ligating one, which is there, is completely the same. So it is a personal choice whether somebody wants to go for the metal braces or ceramic braces. Now, the big question which people keep asking us in our comment box is that what is the cost of metal braces? So, as I have told you, the cost factor depends on three major things. The first is the type of the braces that you choose. The second is the treatment duration. What is the duration of the treatment that the treatment is going to happen? Some braces patients, the treatment gets over in 6 months, 8 months. Some takes 1 year, 1.5 year, 2 years, even up to 2.5 years also, braces treatment can go on. And then again, the third factor, which is very much important, is the severity of the malocclusion. Aapke daant kitne tede hain, aapke daant kitne bahar hain, aapke daanton mein gap hai, to kitna jyada gap hai, problem kitna hai, uske upar in sab cheezon ka cost depend karta hai. Normally, braces treatment jo hota hai, wo 35 to 40 k se start hota hai, and it goes up to 60 to 70 k also, depending on the three factors which I have told you. I will just like to repeat all the three factors. First is the type of the braces that you want to go for. Second is the treatment duration. And the third is, of course, the severity of the malocclusion. So these are the factors which decide the treatment and the cost of braces. Now coming to the second part, that is the aligners. So the second thing which comes to a patient mind, that whether we should go for braces or aligners. So let me make it very clear to you that there are 90% of the cases which can be treated by aligners, but there are few of the cases in which we cannot do aligners. We have to go for braces only, as aligners are something which is not done by us. It is done by the lab. People, we take your impression and send it to the lab. We take your photographs and send it to the lab, and then they send us sets and we deliver it to you. Now I will be telling you step by step the procedure for aligners. Supposedly a patient comes और उनको लगता है कि मुझे aligners कराने हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनके photographs लेते हैं, उनके x-rays लेते हैं, उनके हम study model बनाते हैं, और उनका impression जो लिया जाता है उससे हम लोग study model बनाते हैं, और एक impression जो होता है वो हम लोग अलग से रख देते हैं, जो हम लोग lab भेजते हैं उनका sets बनने के लिए. और आजकल के डिजिटल डेंटिस्ट्री के ज़माने में जो हमारे यहाँ क्लिनिक में हम लोग यूज़ करते हैं, वी यूज़ स्कैनर्स ऑल्सो. स्कैनर से क्या होता है कि हमें इम्प्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है. स्कैन करके आपके पूरे दांत का शेप, अंदर के दांत, ईच एंड एवरी टूथ का जो एनाटोमी है वो रिप्लीकेट करा जाता है और उसे मेल कर दिया जाता है. जब ये स्कैन उनके पास चले जाता है, वो अपने मशीन में उससे इनकॉर्पोरेट करते हैं और वो देखते हैं कि आपके दांतों में कितना प्रॉब्लम है और कितना सारे चेंजेस आपके दांतों में करना है, क्या क्या चेंजेस पॉसिबल है करना और कैसे करना है. तो डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी कि आपके कितने ज़्यादा प्रॉब्लम हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हाउ मेनी सेट्स ऑफ अलाइनर्स डू यू हैव टू वेयर. आई विल जस्ट शो यू वन अलाइनर सेट विच इज़ केप्ट हियर, विच यू कैन सी दीज आर ट्रांसपेरेंट शीट्स ऑफ अलाइनर्स. नाउ इट इज़ वेरी मच पॉपुलर. Many of the people, they use this because they don't want to wear braces. They are transparent, completely transparent. And the advantage of this over braces is that you can remove and eat anything you want. In braces, there are few of the restrictions which are, of course, there. So once we send the impression or the scan to the lab people decide ki aapko kitne sets lagenge. So now, once they decide the number of the sets, wo hume ek video bhejte hain, stimulation bhejte hain. उस स्टिमुलेशन में दिखाया जाता है कि आपके दांत प्रेजेंटली कैसे हैं और जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपके दांत कैसे हो जाएंगे. तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है. यू गेट एन एंटायर आइडिया अबाउट हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क. दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल. एंड इन दैट स्टिमुलेशन दे विल ऑल्सो लेट अस नो दैट हाउ मच ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट यू हैव टू वेयर द अलाइनर्स एंड ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ द सेट्स विच हैज़ टू बी गिवन टू यू. अलग लोगों में अलग अलग सेट्स होते हैं. किसी किसी में अगर माल अक्लूजन प्रॉब्लम बहुत कम है तो हम लोग 12 सेट्स, 14 सेट्स, 16 सेट्स में भी कर देते हैं. किसी किसी में बहुत सारे सेट्स भी लगते हैं. इट कैन गो अप टू 80, 70, 80 सेट्स ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ द माल अक्लूजन. सो वंस दिस इज डन एंड इफ द पेशेंट गिव्स एन अप्रूवल, वी सेंड इट टू द लैब फॉर द दिस लैब पीपल सेंड अस द सेट्स ऑफ द अलाइनर्स एंड देन वी गिव इट टू द पेशेंट. एंड normally the time duration for each set is 15 days in which you have to change the set.
So after every 15 days, you can send us a video on our WhatsApp number and we can have a look whether the fitting is proper or not. Is there any problem or not? If there is no problem, you can continue wearing the sets. So again, the other difference here is that for braces, you have to visit our clinic every one and a half month. But in cases of aligners, you don't need to visit us until and unless there is a problem. If there is a problem that your teeth are not set or the aligners are not getting properly set, then we recommend you to come down to the clinic and we have a look at it. Now, again, the same question, the big million dollar question that everyone asks, which we are very reluctant to answer, what is the cost of aligners? So now, again, it depends on the type of the aligners that you go for, what is the quality of the aligners that you go for, what is the duration of the treatment, what are the number of the sets which are coming, that depends on the duration, and everything else depends on the last thing is the severity of the malocclusion, that how severely the problem is there in your teeth. But if you want me to give a wide range, say for example, then of course that it starts from around 50-60,000 rupees and it goes up to 2 lakhs or maybe 3 lakhs also, depending on the type of the severity. So these, and also the company which you recommend, we are associated with 2-3 good companies and we provide you the best one. And of course, if it fits your budget, then we go for it, or at times we have to, you know, compromise at with the company at times, depending on the, you know, budget and everything. We have to take care of everything in that case. So now, just to brief about the entire thing about braces and aligners, if you ask me what shall I go for, I'll tell you it's a personal choice. Braces or aligners, again, it's a personal choice. If braces, what kind of braces? It's a personal choice whether you want to go for metal braces or ceramic braces. Of course, ceramic braces are more, you know, aesthetically more pleasant. दिखने में अच्छा लगता है कि आपने braces पहन रखा है लेकिन आपका braces इतना visible नहीं है. और अगर आपको braces दिखना ही नहीं, आपको दिखाना ही नहीं कि आपने braces पहन रखा है, then the best possible solution these days are aligners. So इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आज के इस वीडियो से ये पता चल जाएगा कि आप को हमारे पास आने के बाद हम क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं आपके दांतों को सीधा करने के लिए, अंदर करने के लिए और आपके स्माइल को और सुंदर करने के लिए. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय फ्रॉम फैमिली डेंटल क्लिनिक.